अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के हम बात करेंगे पीपीएससी की जानब से एक नई तब्दीली के बारे में। पीपीएससी ने अपने टेस्ट स्केड्यूल में, टेस्ट की रूटीन में एक नई तब्दीली की है, और वो स्पेशली तब्दीली है जी तहसीलदार की। जो 14 पोस्टें आई थी उनके हवाले से 14 पोस्ट जो पीपीएससी ने अनाउंस की थी थ्रू ओपन मेरिट, उसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल कोटा के थ्रू तहसीलदार की सीट्स आई थी, और उनके अलावा मिनिस्ट्रियल कोटा नायब तहसीलदार की जो रूटीन में उन्होंने टेस्ट लेने थे, उनमें उन्होंने सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेना था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेना था, तो उनके अंदर भी एक नई तब्दीली आई है। और वो तब्दीली क्या है, पीपीएससी ने अपना एक नोटिस जारी किया है कि उन्होंने एक नया रोड मैप मुहैया किया है कैंडिडेट्स को कि अब वो किस तरह टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तहसीलदार का, तहसीलदार जनरल पोस्ट का, तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा का, नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा की जो सीट्स अनाउंस की गई थी। चलते हैं नोटिस की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप तक टाइमली पहुंच सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना कर सके। इंशाल्लाह अभी हम अनकरीब ही आप लोगों के लिए एक नया टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन के हवाले से तैयारी करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आप इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। तो ये जी हमारे पास पीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था जनाब 25 को। इसके अंदर उन्होंने पीपीएससी ने मेंशन किया है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज द फॉलोइंग पोस्ट एज पर डिटेल बिलो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 3 सीटें एडवर्टाइज की थी तहसीलदार की, तहसीलदार 14 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन 14/10/2023 को, तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा 22 पोस्टें थी जो उन्होंने 19 जुलाई को की थी, फिर नायब तहसीलदार की जो 68 पोस्ट थी मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से, ये उन्होंने 19 जुलाई को ये भी एडवर्टाइजमेंट की थी इनकी। वो कह रहे हैं इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन दैट, कि अब उनका मैं आपको ये इसका लुबलबा बता देता हूँ, बाद में मैं ये पढ़ के भी बता दूंगा। पीपीएससी ने ये किया है कि पहले इनके होने थे सब्जेक्टिव पेपर, मतलब इन सब एग्ज़ाम्स के जिनके 4 एग्ज़ाम्स होने थे, मतलब इनमें एक जीके का पेपर था, उसके बाद एक पेपर था इंग्लिश एसे का, फिर प्रेस का था, और फिर एक उर्दू ऐसे का पेपर था या उर्दू सब्जेक्ट का पेपर था, तो 4 पेपर लेने थे पीपीएससी ने। लेकिन पीपीएससी ने अब ये तब्दीली की है कि ताकि सारे पेपर इकट्ठे लेने की बजाय और अपने रिसोर्सेज, पैसे और मतलब इतनी जगह का इंतजाम करने की बजाय, पीपीएससी ने ये किया है कि जो 1 पेपर MCQ-based लेना है ना, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, मतलब जैसे कह लें कि MPT या फिर पहले मेन टेस्ट से पहले, मतलब कह लें ये टेस्ट भी मेन ही होगा, जैसे 1 पेपर हम पास करते हैं वैसे ही, जो सब्जेक्टिव पेपर लेने थे पीपीएससी वो अभी नहीं ले रहा, जो सब्जेक्टिव पेपर लेने थे एक उर्दू का, एक एसए का, प्रेसी का, एक जीके पेपर था, अब जो जीके का पेपर है ना, जीके का पेपर वो पीपीएससी ले लेगा पहले, बाकी 3 पेपर लेगा बाद में। वो पहले पेपर इसलिए लेगा कि अगर फ़र्ज़ करें 50,000 बच्चे इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ 1 पेपर में से अगर फ़र्ज़ करें 25,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उन 25,000 बच्चों के सब्जेक्टिव टेस्ट पास चेक नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जॉब लेने के लिए चारों के चारों पेपर पास करने हैं। स्पेशली आपको 1 पेपर तो लाजमी पास करना है जो जीके बेस्ड पेपर होगा तहसीलदार की या इन सारी सीटों के अंदर, तो वो जो 1 पेपर आपने पास करना है, तो अगर 4 पेपर आप लें सब्जेक्टिव भी साथ ही ले लें, तो फिर भी अगर आपका वो 1 पेपर जो 100 नंबर का MCQ वाला होगा अगर फेल हो जाए, तो फिर भी आपके सारे फेल हैं, तो वो अपने पास करना लाजमी। इसलिए पीपीएससी ने ये किया है कि वो जो 1 पेपर होगा उसको वो पहले ले लेंगे, ताकि जहाँ वहाँ से बच्चे जो फ़िल्टर आउट हो जाएं, जो बच्चे मतलब उनके भी इतनी तैयारी नहीं है कि वो सब्जेक्टिव पास कर सकें या जॉब को ले सकें, तो वहीं से वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, और जो बाकी बच्चे जो पास हो जाएंगे 1 पेपर के थ्रू, तो वो फिर क्या करेंगे, उनका सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। तो ये पीपीएससी ने बेसिकली बताया। उन्होंने कहा वेयर एन एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट आर पोस्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पेपर एंड 1 ऑफ द पेपर बेस्ड अपॉन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द चेयरमैन मे ऑन केस टू केस बेसिस एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड बिफरकेट द एग्जामिनेशन इन फेज 1, ऑल कैंडिडेट्स मे बी डायरेक्टेड टू अपीयर हैविंग MCQs क्वेश्चंस, इन फेज 2 ओनली दोज कैंडिडेट्स मे बी कॉल्ड टू अपीयर इन द रिमेनिंग पेपर्स हु पास MCQs पेपर एज पर प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया। तो वो कह रहे हैं कि जी फेज 1 के अंदर क्या होगा, सिर्फ MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। अब MCQs बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, सॉरी, इसमें तहसीलदार में 2 एक टेस्ट है एक्ट का भी,
जो इन्होंने एक्ट दिए हुए हैं, तो एक्ट के एक्ट का और जीके का पेपर जो होगा वन पेपर एमसीक्यूज होगा, तो वो दोनों अभी ले लेंगे, और जो उसके फेज़ टू होगा उसमें जाके वो डिस्क्रिप्टिव पेपर लेंगे। ये थी हमारे पास आज की, जिसके अंदर हमने बताया पीपीएससी के अंदर नई तब्दीली के हवाले से। तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, दुआ में याद रखिएगा, मजीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।